आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जो कि है बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लीजिया। बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लीजिया जो है मेनली मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है मोर देन 50 इयर्स के पेशेंट्स के अंदर। मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है मोर देन 50 इयर्स के पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। ये ओल्ड एज डिजीज है। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे इस डिजीज के होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो नेम से ही पता पड़ रहा है बिनाइन मींस ये मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं है, बिनाइन है, एक्यूट कंडीशन है। प्रोस्थेटिक मींस जो कि प्रोस्टेट को अफेक्ट करती है, एंड हाइपरप्लीजिया मींस जो अपना साइज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। वो साइज अपने किसी भी वे में इंक्रीज कर सकते हैं, चाहे वो सेल का नंबर इंक्रीज करके कर सकते हैं, चाहे वो सेल का साइज इंक्रीज करके कर सकते हैं, ठीक है। बट हम बात करते हैं ओनली सेल के नंबर इंक्रीज करने की। ये सेल के नंबर ज्यादा मेनली इंपॉर्टेंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अब ये किस वे में अपने सेल जो प्रोस्टेट है किस वे में एनलार्ज हो सकता है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं एनलार्ज होने के। एक होता है स्टैटिक कंपोनेंट, एक होता है डायनेमिक कंपोनेंट, ओके। एक होता है स्टैटिक कंपोनेंट एंड एक होता है डायनेमिक कंपोनेंट। अब स्टैटिक कंपोनेंट में कैसे सेल अपना साइज इंक्रीज कर सकता है उसकी हम बात करते हैं। स्टैटिक कंपोनेंट में मेनली जो होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमल हाइपरट्रॉफी। स्ट्रोमल हाइपरट्रॉफी मींस एक स्पेशल टाइप का हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन जो है 5-अल्फा रिडक्टेज की वजह से किसमें कन्वर्ट होता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। वो जो टेस्टोस्टेरोन है वो 5-अल्फा रिडक्टेज की वजह से किसमें कन्वर्ट होता है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो एक स्पेशलाइज सेल्स के पास जाता है, वो हर सेल्स के पास जाता है, और सेल्स में एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर एंड्रोजन रिसेप्टर्स। और वो हार्मोन जो है वो न्यूक्लियर एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है। जब भी ये हार्मोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन न्यूक्लियर एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप के ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ फैक्टर, FGF, सेकेंडरी ग्रोथ फैक्टर। और सेकेंडरी ग्रोथ फैक्टर का फंक्शन ये है कि ये सेल के प्रोलीफरेशन को इंक्रीज करता है, मीन्स सेल के नंबर को ये इंक्रीज करता जाता है, सेल का डुप्लीकेशन करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साथ साथ ही क्या होता है, सेल का एपोप्टोसिस भी इनहिबिट हो जाता है, सेल साइज इंक्रीज करते जाती है बट सेल डेड नहीं हो पाती। इस वजह से प्रोस्टेट जो है वो एनलार्ज होता जाता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो ये है जिसकी वजह से जो प्रोस्टेट है वो एनलार्ज होता है, स्ट्रोमल हाइपरट्रॉफी। कौन से कंपोनेंट में आता है, स्टैटिक कंपोनेंट में। फंक्शन क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। जो एंजाइम यूज होगा वो है 5-अल्फा रिडक्टेज, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो जाएगा सेल्स के पास में, वहां पर स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर एंड्रोजन रिसेप्टर्स। और जैसे ही ये हार्मोन न्यूक्लियर एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होगा तो एक स्पेशल टाइप का ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ फैक्टर। और वो सेकेंडरी ग्रोथ फैक्टर जो है उसका मेन फंक्शन ये है कि सेल के प्रोलीफरेशन को इंक्रीज करता है, साथ साथ में ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। ये है स्टैटिक कंपोनेंट। हम अब बात करते हैं डायनामिक कंपोनेंट। तो प्रोस्टेट जो है एक टाइप की ग्लैंड है, तो वहाँ पर स्मूथ मसल जो ग्लैंड है वो हमेशा मसल्स थोड़ी बहुत मसल्स से बनी नहीं होती, ठीक है। उसकी जो कवरिंग होती है वो मसल्स के आसपास की भी होती है, ठीक है। तो डायनेमिक कंपोनेंट में क्या होता है, जो स्मूथ मसल से जो प्रोस्टेट ग्लैंड बनी हुई है उसका टोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका टोन जो है वो इंक्रीज होता है। तो स्मूथ मसल जो है वो अपने टोन को इंक्रीज कर लेती है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर लेती है, जिस वजह से भी हाइपरप्लीजिया होने के चांसेस होते हैं। और ये जो है एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स से मीडिएट होता है, उस रिसेप्टर का नाम है अल्फा 1A रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स जो है वो मीडिएट करते हैं किसको, स्मूथ मसल के टोन को इंक्रीज करने में, अल्फा 1A रिसेप्टर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, ये था इसकी किस तरीके से ये इंक्रीज होता है पैथोजेनेसिस, कि कैसे प्रोस्टेट जो है वो अपना साइज इंक्रीज करता है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका डायनामिक कंपोनेंट और एक होता है आपका स्टैटिक कंपोनेंट। ठीक है, अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो क्लिनिकल फीचर्स मेनली क्या होगा, अगर प्रोस्टेट साइज इंक्रीज कर देगा तो आपको फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के सिम्टम देखने को मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी यूरिनेशन की, और अर्जेंसी इंक्रीज हो सकती है, नॉक्चूरिया आपको देखने को मिल सकता है, पेन हो सकता है आपको, बिकॉज अगर साइज इंक्रीज होगी तो वो यूरेथ्रा है उसको ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से आपको पेन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेशल टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
डायग्नोसिस जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कुछ 7-7 क्राइटेरियाज के बेस पर, कि यूरोफ्लोमेट्रिक्स हम चेक कर सकते हैं, हम और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद कैंसर। सो हमने ये लास्ट क्लास में देख लिया था कि हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इसकी, बाकी यूरोफ्लोमेट्री और सिस्टोग्राम इनसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है। ओके, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट भी दो वे में होगा, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और एक सेकंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो अगर माइल्ड कंडीशन है, अगर कंडीशन माइल्ड है, ठीक है, जो हाइपरप्लेजिया है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, जो प्रोस्टेट है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, तो हम उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम पेशेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि शायद जो प्रोस्टेट है वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाए, हम उसमें कोई ट्रीटमेंट का यूज नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन मॉडरेट टू सीवियर है तो फिर हम ट्रीटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो सकता है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की, जो कि है हमारी ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स जो है वो हम दो फील्ड में यूज कर सकते हैं, कौन से दो फील्ड्स, हम दोनों के दोनों जो रिसेप्टर्स हैं हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं, एक है एंजाइम और एक ही रिसेप्टर। जो हमने फर्स्ट स्टेडी कंपोनेंट बात करी थी उसमें जो एंजाइम था वो था 5-alpha reductase, ठीक है। ये 5-alpha reductase जो है वो टेस्टोस्टेरोन को किसमें कन्वर्ट करा था, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो अगर हम इसको इनहिबिट कर दें तो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मीन्स टेस्टोस्टेरोन जो है वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो स्टेटिक कंपोनेंट अपना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो ये जो 5-alpha reductase इनहिबिटर्स होते हैं, ये इनका मेन फंक्शन यही है कि ये सेल के प्रोलिफ्रेशन को इनहिबिट करने में यूज होते हैं। बट ये ड्रग्स जो होती है वो बहुत शॉर्ट एक्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है, इतना लॉन्ग लास्टिंग इनका ट्रीटमेंट नहीं होता है, बहुत शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है, ठीक है। और इनका जो एक्शन होता है वो बहुत क्विक एक्शन होता है, लाइक विद इन मिनट्स में ये अपना एक्शन दिखा देती है, ठीक है। इनके अंदर जो ड्रग्स आती है, इनके अंदर जो ड्रग्स हैं जो इंक्लूड होती है इनके अंदर, उनको हम बोलते हैं टेम्सुलोजिन, ट्रासुलोजिन एंड टेराजोसिन। प्राजोसिन एंड टेराजोसिन, ठीक है। तो ये तीन ड्रग्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड होती है, टेराजोसिन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5-alpha reductase इनहिबिटर्स को हम ब्लॉक, 5-alpha reductase जो एंजाइम है उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्टैटिक कंपोनेंट है जो कि सेल के प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करता है वो इनहिबिट हो जाएगा, और जैसे ही वो इनहिबिट हो जाएगा तो हाइपरप्लेजिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये जो ड्रग्स होती है बहुत शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है, ये अपना एक्शन जो है बहुत क्विक दिखाती है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है, ये लाइक अगर अर्जेंट ट्रीटमेंट करना हो तो उनके लिए ड्रग्स परफेक्ट है। कौन कौन सी ड्रग्स आती है, टेम्सुलोजिन, प्राजोसिन एंड टेराजोसिन। सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं कि जो दूसरा जो एंजाइम था, सॉरी ये ड्रग्स जो हैं इस वाले फील्ड में कन्वर्ट करना, मैं बताऊंगा कौन सी है। इसमें जो आती है ड्रग उसका नाम है फिनास्टेराइड। ओके, इन ड्रग्स को हम डायनामिक कंपोनेंट में शिफ्ट कर देंगे। अब डायनामिक कंपोनेंट में हमने किसकी बात की थी, एक स्पेशल टाइप के रिसेप्टर था जिसका नाम था अल्फा 1A रिसेप्टर्स। अल्फा 1A रिसेप्टर्स को अगर हम ब्लॉक कर दें डायनामिक कंपोनेंट में, अगर हम अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो हम इस एक्शन को भी रोक सकते हैं। अगर जैसे आप डिपेंड क्या था, अल्फा 1A रिसेप्टर्स जो है वो मीडिएट करते हैं किसको, स्मूथ मसल के टोन को इंक्रीज करने में। अगर हम स्मूथ मसल के टोन को इंक्रीज करने में उसको इनहिबिट कर देंगे तो स्मूथ मसल का टोन जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। और उसको हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, अगर हम अल्फा 1A रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दें, ठीक है। अल्फा 1A रिसेप्टर्स को इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स हैं वो है टेम्सुलोजिन, प्राजोसिन एंड टेराजोसिन। जो 5-alpha reductase जो ड्रग है उसमें आती थी ओनली फिनास्टेराइड। ओके, तो इसको इस फील्ड में शिफ्ट कर देना, टेम्सुलोजिन, प्राजोसिन एंड टेराजोसिन, ये है इसके ड्रग ट्रीटमेंट। बट ड्रग्स ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर वे ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। हम सर्जरी की बात करें तो हमें सर्जिकल वे में भी इसको ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि
जो हाइपरप्लेजिया है कभी कभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो प्रोस्टेट जो है वो अपने साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेती है, और उसको हम ड्रग्स से हम ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, हम इसको आगे बढ़ने से हम इसको रोक सकते हैं, बस प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल बेस ही होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी बेस ही है। तो सबसे पहले कौन सी इंडिकेशंस हैं, कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं ऐसी जिनमें हम सर्जरीज को यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हो सकता है, क्योंकि प्रोस्टेट अगर साइज इंक्रीज कर देगी तो यूरेथ्रा जो है वो अपना प्रेशर किस पर डालेगी, यूरेथ्रा पे, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरेथ्रा ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब यूरेथ्रा ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो अपोजिट प्रेशर जो है वो यूरेटर पे भी डालेगा और किडनी पर भी डालेगा, और जब यूरेटर और किडनी ब्लॉक होने, धीरे धीरे यूरेटर और किडनी ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाएगी तो जो उनके अंदर फिल्टर हो रहा है यूरिन वो वहीं पर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या कॉज मिल सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। सेकेंड, अक्यूट और क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होने लग जाएगा तो जो यूरेथ्रा है वो धीरे धीरे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो यूरिन जो फिल्टर हुआ है वो वहां पर आके रिटेन होने स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यूरिन में बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और वो टॉक्सिक एनवायरमेंट जो होता है बहुत बहुत सुटेबल होता है बैक्टीरियाज के लिए, वो सुटेबल होता है बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे वायरसेस के लिए, ताकि वो वहाँ पर डेवलप हो सके और डिफरेंट इन्फेक्शन कॉज कर सकें। इसलिए अगर रिटेंशन है यूरिन का, अक्यूटली हो चाहे क्रॉनिकली हो, हम उसमें इमीडिएटली सर्जरी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस एक कंडीशन के साथ में दूसरी कंडीशन और होने के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हम इसमें यूज करते हैं कि सर्जरी जितनी हो सके इमीडिएटली कर सकें। थर्ड, अगर मोर देन वन टाइम ग्रॉस हिमेचुरिया मीन्स, अगर यूरिन के साथ में अगर हमें रेड ब्लड सेल्स भी दिखने को मिल रहे हैं, यूरिन के साथ में अगर हमें रेड ब्लड सेल्स दिखने को मिल रहे हैं तो भी हम इंडिकेशन हम ये है कि हम यूज कर सकते हैं सर्जरी को, ठीक है। फोर्थ, और कौन कौन से इंडिकेशन है जिसमें हम यूज कर सकते हैं, हमने कुछ लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डायग्नोसिस में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज की बात की थी, जिसमें हमने प्रेशर की बात की थी, वॉल्यूम की बात की थी, कि पर सेकंड में जो वॉल्यूम होना चाहिए वो मैक्सिमम 15 ml पर सेकंड होना चाहिए, ये हमने बात की थी कि ये जो होता है नॉर्मल होता है, लेकिन अगर लेस देन 10 ml पर सेकंड हो जाए, लेस देन 10 ml पर सेकंड हो जाए तो ये भी एक इंडिकेशन है सर्जरी का, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर लेस देन 10 ml पर सेकंड हो जाए तो ये भी इंडिकेशन है किसका, सर्जरी का। और हमने बात की थी प्रेशर की, प्रेशर जो होता है नॉर्मली जब भी यूरिन रिलीज होता है, जब भी यूरेथ्रल ब्लैडर का प्रेशर होता है वो हमेशा 60-80 mg के आसपास होता है, लेकिन अगर वो प्रेशर इंक्रीज हो जाए मोर देन 80 mmHg तो वो भी एक इंडिकेशन है सर्जरी के लिए, ठीक है, वो भी एक इंडिकेशन है सर्जरी के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेशंस हैं। साथ साथ में अगर हम देखें कि अगर आपकी इस बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से जो यूरिन जो है वो रिटेन होता जा रहा है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है उस यूरिन का बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर बार बार आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, आप बार बार उसको ट्रीट जरूर कर रहे हो लेकिन वो वापस रिकरेंट हो जाता है, वापस आपको एक ना कोई न्यू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, आप वापस ट्रीट करते हो वापस एक ना एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो अगर वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिकरेंट है तो आप इंडिकेटेड हो सर्जरी के लिए, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं जिनमें आप सर्जरी प्रिफर करते हो, अगर बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो भी आप सर्जरी करोगे, अगर अक्यूट और क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन है, यूरिन का रिटेंशन हो रहा है उसमें भी आप सर्जरी प्रिफर करते हो, अगर मोर देन वन टाइम्स ग्रोथ हिमेचुरिया देखने को मिल रहा है, जो आपका फ्लो है अगर फ्लो बहुत कम हो जाए लेस देन 10 ml पर सेकंड तो भी आप सर्जरी प्रिफर करोगे, अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए मोर देन 80 mmHg तो भी आप सर्जरी प्रिफर करोगे, और अगर आपको रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो भी आप सर्जरी को प्रिफर करोगे। तो ये स्पेसिफिक इंडिकेशन है सर्जरी के लिए। अब हम बात करते हैं इसमें कौन सी स्पेशल टाइप की सर्जरी होती है। उसको बोलते हैं हम टर्प, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट,
ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप की सर्जरी है जो कि हम इसमें प्रिफर करते हैं, TURP, ट्रांस रिसेक्शन, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट में होता है क्या, आई मीन लाइक दिस इज योर ब्लैडर, ओके, ये यूरेथ्रा है, ये आपका प्रोस्टेट, प्रोस्टेट यूरेथ्रा ब्लैडर, ओके। अब क्या होता है, प्रोस्टेट के डिस्टल पार्ट में, प्रोस्टेट के डिस्टल पार्ट में एक ट्रायंगुलर पोर्शन प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट के डिस्टल पार्ट में एक ट्रायंगुलर पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, वेरू मोंटेनम, वेरू मोंटेनम। ठीक है, ये वेरू मोंटेनम जो है वो एक लास्ट लिमिट है सर्जरी, इसके आगे हम सर्जरी प्रिफर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो है इजेकुलेटरी डक्ट्स प्रेजेंट होती है, इसके आगे जो है क्या है इजेकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। तो अगर हम वेरू मोंटेनम के आगे तक सर्जरी को प्रिफर करेंगे, अगर हम उसके आगे तक रिसेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे तो जो इजेकुलेटरी डक्ट्स हैं वो भी रिसेक्ट हो जाएगी, और जब वो रिसेक्ट हो जाएगी तो हमें रिकरेंट इजेकुलेशन देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसी वजह से हम लास्ट लिमिट जो होती है इसकी, लास्ट लिमिट जो है इस सर्जरी की, वो है वेरू मोंटेनम। ओके, अब इसमें और अभी रिसेंटली दो तीन सर्जरीज और इंक्लूड हुई है जिसको हम बोलते हैं, एक है ट्यूलिप, एक है होलिप, ट्यूलिप एंड होलिप, ट्रांस यूरेथ्रल लेजर इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांस यूरेथ्रल लेजर इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट एंड होलमियम लेजर एक्सीजन ऑफ प्रोस्टेट। ओके, ट्रांस यूरेथ्रल लेजर इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट एंड होलमियम लेजर एक्सीजन ऑफ प्रोस्टेट, तो ये कुछ न्यू टाइप की सर्जरीज इंक्लूड हुई है, लेकिन बेस्टली जो हमेशा हम प्रेफर करते हैं वो है टर्प। अब इसके अंदर इजेकुलेटरी डक्ट को हम कभी भी वेरू मोंटेनम के आगे तक हम कभी भी सर्जरी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इजेकुलेटरी डक्ट भी अगर रिसेक्ट हो जाएगी तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इस सर्जरी का। हमेशा इस सर्जरी में 60-65%, क्योंकि ये बहुत बहुत छोटा एरिया है, और 60-65% हमें हमेशा देखने को मिल ही जाता है जब भी ये सर्जरी प्रिफर करते हैं सर्जन, तो 60-65% चांसेस होते हैं कि वो हमेशा वेरू मोंटेनम के थोड़ा आगे तक रिसेट कर देते हैं, जिसकी वजह से इजेकुलेटरी डक्ट भी जो है वो रिसेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। ठीक है, और जब भी हम सर्जरी प्रिफर करते हैं तो हम हमेशा कोई ना कोई एक इरिगेटिंग जो हम सॉल्यूशन होता है वो हम यूज़ करते हैं, कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होता है जो जिससे हम इरिगेट कर सकें, जिससे हम उसको वो जो एनवायरनमेंट है उसको एक प्रॉपर तरीके से इरिगेशन दे सकें, हम उसको प्रॉपर तरीके से एक फ्लूइड दे सकें ताकि जो वहाँ के बैक्टीरियाज हैं या वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है वो हमेशा सेटेबल रहे। तो जो TURP जो ये सर्जरी है इसके लिए जो बेस्ट इरिगेशन फ्लूड है, जो इसके लिए बेस्ट इरिगेटिंग फ्लूड है, बेस्ट इरिगेटिंग जो फ्लूड है इसके लिए वो है हमारा आइसोटोनिक ग्लाइसरीन, आइसोटोनिक ग्लाइसरीन। आइसोटोनिक ग्लाइसरीन हम हमेशा इसमें जो इरिगेटिंग फ्लूड है, जो इरिगेटिंग फ्लूड है वो हम जो भी हमेशा हम यूज करते हैं वो है हमारा आइसोटोनिक ग्लाइसरीन इरिगेटिंग फ्लूड। हम इसमें कभी भी डेक्सट्रोज या फिर नॉर्मल और सॉल्यूशन सलाइन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं जिससे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसमें जो हम हमेशा इरिगेटिंग फ्लूड जो यूज़ करते हैं वो है हमारा क्या है, आइसोटोनिक ग्लाइसिन। आइसोटोनिक ग्लाइसिन को हमेशा इसमें यूज़ करते हैं जो कि है हमेशा ऑपरेशन के टाइम पे। अगर हम बात करें कि पोस्ट ऑपरेटिव हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, लाइक दो टाइप के इरिगेटिंग फ्लूड्स होते हैं, एक वो फ्लूड्स होते हैं जो कि ऑपरेशन के टाइम पे यूज़ किया जाता है, जब भी हम हमेशा कोई ना कोई एक फ्लूड को रिलीज करते हैं ताकि जो सर्जरी है वो आसानी से हो सके। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पर प्रेजेंट है वो निकल सके और सर्जरी जो है आसानी से हो सके। तो दो टाइप के फ्लूड्स का हम यूज़ करते हैं, एक होता है जो कि सर्जरी के टाइम यूज़ होता है और एक होता है जब सर्जरी पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद यूज़ होता है।
तो ये वो फ्लूइड है जो कि सर्जरी के टाइम में रहता है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव कौन सा इरिगेटिंग फ्लूइड है, तो हम यूज करते हैं नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन, ओके। तो ये है टब जो मेन सर्जरी है किसकी, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लीजिया की। इसकी जो लास्ट लिमिट है वेरुमोंटेनम। अगर इजेकुलेटरी डक्ट भी अगर रिसेक्शन हो जाएगी तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। बेस्ट इरिगेटिंग फ्लूइड क्या है, आइसोटोनिक ग्लाइसिन। और पोस्ट ऑपरेटिव बेस्ट जो बेस्ट है इरिगेटिंग फ्लूइड वो क्या है, नॉर्मल सलाइन। ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। लास्ट लिमिट क्या है, वेरुमोंटेनम। अगर इजेकुलेटरी डक्ट अगर रिसेक्शन हो जाए तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। बेस्ट इरिगेटिंग फ्लूइड क्या है, आइसोटोनिक ग्लाइसिन। एंड पोस्ट ऑपरेटिव अगर इरिगेटिंग फ्लूइड्स की हम बात करें तो क्या है, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम इरिगेटिंग फ्लूइड्स को रिलीज करते हैं, जब भी हम इरिगेटिंग फ्लूइड से उस एरिया को हम क्लीन करते हैं, तो कुछ फ्लूइड जो है वो हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसमें इरिगेटिंग फ्लूइड रिलीज करेंगे तो कुछ फ्लूइड ऐसा होगा जो कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी, और जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी तो हमारी बॉडी के अंदर वाटर क्वांटिटी जो क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी बॉडी के अंदर वाटर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो सेल वॉल्स, जो हमारे सेल के आयंस हैं, उनका कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, वाटर के हिसाब से सोडियम की कंसंट्रेशन बराबर थी, ठीक है, वाटर और सोडियम की कंसंट्रेशन बराबर थी, लेकिन हमने क्या किया, धीरे धीरे वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से उस वाटर की कंसंट्रेशन की वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई है, और जैसे जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, हाइपोनेट्रीमिया। तो इस कंडीशन को जो हम, ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं टर्ब सिंड्रोम, टर्ब सिंड्रोम। टर्ब सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हमेशा हमें इसमें हमेशा वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे फ्लूड को यूज़ करते हैं इरिगेटिंग के लिए, बहुत सारे फ्लूड को ऐड करते हैं इरिगेटिंग के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ फ्लूड जो है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और उससे हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ आयंस हैं उनका जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से। और इसमें जो मेन इसका क्लिनिकल फीचर है उसको बोलते हैं हम अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम। जो मेन क्लिनिकल फीचर जो है इसका वो है अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम, इसमें हमें आपको हाइपोनेट्री में अभी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। और कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, टर्ब सिंड्रोम। और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो गया, टर्ब सिंड्रोम हो गया, हेमोरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा जो है बहुत नैरो ट्यूब है, और जब भी हम सर्जरी यूज करते हैं तो चांसेस होते हैं कि आसपास की हम कुछ ग्लैंड्स को या आसपास की जो एरिया है उसको भी हम कट कर दें, जिसकी वजह से इसमें हेमोरेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं, वो भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। और क्या है, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जब भी हम सर्जरी यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी जो स्मूथ मसल्स हैं वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो मियाटस है, हम क्या कर रहे हैं, यूरेथ्रा से सर्जरी को ट्रीट कर रहे हैं, हम यूरेथ्रा से सर्जरी को ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो मियाटल है, जो कि मियाटल ओपनिंग है, जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं मियाटल ओपनिंग, वो भी कभी कभी स्टेनोसिस कंडीशन में आ जाती है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेन हमेशा हमें क्या याद रखना है, रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, जो कि इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। और सेकेंडली क्या, टर्ब सिंड्रोम, जो कि जो भी कॉम्प्लिकेशन है किसकी, टर्ब सर्जरी की। तो ये है आपकी बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपोप्लीजिया। साथ साथ में अगर कोई ये पूछ ले कि जो इसका अप्रोच है, मोस्ट कॉमन अप्रोच क्या होती है, तो मोस्ट कॉमन अप्रोच जो है वो ट्रांस यूरेथ्रल अप्रोच। हम हमेशा ट्रांस यूरेथ्रली अप्रोच करते हैं सर्जरी को, और भी इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो अप्रोच होती है वो ट्रांस यूरेथ्रल भी होती है, और बहुत सारी लाइक रेट्रोपेल्विक यूज कर सकते हैं, ट्रांस पेल्विक यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन जो है वो है ट्रांस यूरेथ्रल। लास्ट लिमिट है वेरुमोंटेनम, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन, बेस्ट इरिगेटिंग फ्लूइड आइसोटोनिक ग्लाइसिन ग्लाइसिन, एंड पोस्ट ऑपरेटिव अगर हम बात करें इरिगेटिंग फ्लूइड्स की, दैट इज नॉर्मल सलाइन, ठीक है। ड्रग्स की बात करें तो दो टाइप के ड्रग्स होती हैं, एक जो कि ब्लॉक करती हैं फाइबर वाले डक्टिस को, और एक जो कि इनहिबिट करती है किसको, अल्फा वन रिसेप्टर्स की। ड्रग्स का नाम है फिनेस्ट्रेट, और उसमें जो है टेमाजोसिन एंड प्रादोसिन। तो ये इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये है आपका बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपोप्लीजिया। थैंक यू।